हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद यही है कि आप सभी सुरक्षित होंगे इस महामारी के टाइम में। तो फ्रेंड्स, ये थी 18 तारीख की सुबह, यानी कि 18 नवंबर की सुबह, और आज हमें डिस्चार्ज होना था इस हॉस्पिटल से। तो मैं ये लास्ट व्यू अपनी इस खिड़की से कैप्चर करना चाहती थी और मैंने कैप्चर किया। आज बहुत ही सुहावनी मॉर्निंग थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो ये जगह है, इस जगह से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि यहीं से ही मुझे अपने देखा करते थे नीचे से ऊपर, और मैं भी उनको देखा करती थी यहाँ से। जैसे कि मेरी फ्रेंड्स है जो पुलिस में थी, वो भी जब भी, कमलेश है उसका नाम, जब भी वो यहाँ से जाती थी तो मुझे वेव करती थी। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले ही उनकी मम्मी की डेथ हुई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी लेडी थी, मिलनसार लेडी थी। और अभी और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और फ्रेंड्स, ये है मेरी कज़न अंबिका। तो जब मुझे कोविड हुआ था तो मैंने फ़ोन किया था, इसको भी व्हाट्सएप किया था। तो ये इतना रोई कि उस टाइम चंडीगढ़ में थी, ये तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। 2 दिन तक लगातार रोती रही है और इसे लगता था कि मैं नहीं बचूंगी। और फ्रेंड्स, ये मेरी कज़न है और मैं और ये बचपन से ही साथ रहे हैं, और अभी तक हम दोनों साथ ही रहते हैं। जहाँ कहीं भी जाना हो तो साथ ही जाना है। तो फ्रेंड्स, ये भी तो इसके हस्बैंड ने, मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया था कि समझा लो इसको, ये तो बिल्कुल रोए जा रही है। तो फ्रेंड्स, जब ये चंडीगढ़ से आई थी तो ये भी दूसरे तीसरे दिन चंडीगढ़ से आई थी, तो यहीं इसी स्पॉट से इसने मुझे फ़ोन किया था, और इसने ऊपर देखा था मुझे, और मैंने भी इसको ऊपर से वेव किया था और साथ में फ़ोन पे बात की थी। तब जाके जब इसने मुझे देखा, वहीं मैं वेव कर रही हूँ ऊपर से नीचे और फ़ोन पे अच्छे से बात कर रही हूँ, तब जाके इसको तसल्ली हुई कि मैं ठीक हो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मेरे, मतलब बहुत सारे जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी फैमिली हैं, मेरे मायके से मेरी फैमिली हो, चाहे मेरी ससुराल से मेरी फैमिली हो, तो सभी का बहुत ही सहयोग रहा है। और इसके साथ ही मेरे एक कज़न है, कज़न भी है, और मेरे गॉड ब्रदर है, बंटी नाम है उनका, और वो यहाँ शिमला में एक ब्रांच मैनेजर है। तो उन्होंने भी बहुत ही सहयोग किया मुझे, और वो मुझे जितनी भी मुझे चीज़ें लगती थी तो वो दूसरे ही दिन मुझे पहुंचा दी गई थी। और वो सुबह मुझे फ़ोन करता, शाम को मुझे फ़ोन करता, जब भी वो ऑफिस से फ्री होता तब भी मुझे फ़ोन करता और बोलता कि दीदी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, आपने ये नहीं समझना कुछ कि नहीं करना मुझे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे रिलेटिव्स ने मुझे सहयोग किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अब घर के लिए तैयार हो रहे थे हम, तो मैं पैकिंग कर रही थी। तो और फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो मेरी दीदी है, मेरी कज़न्स सिस्टर हैं, तो वो सभी, जैसे उनको पता लगा, उन्होंने फ़ोन किया तो वो रोए जा रही थी, सारी रोए जा रही थी। और मेरी दीदी तो, जो मुझसे बड़े मेरे दीदी हैं, तो उनको तो मतलब जब मेरे हस्बैंड ने फ़ोन उठाया उनका, जब उन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि कैसी हूँ मैं, तो उन्होंने बोला कि अभी हम एम्बुलेंस में हैं, हम शिमला जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने एम्बुलेंस का नाम सुना और वैसे ही वो रोने लगे। तो वो पहले दिन भी रोए थे शाम को, फिर दूसरे दिन भी, फिर दूसरे दिन शाम को मैंने उनको थोड़ी सी बात की थी उनसे, तो उनकी बहू ने बोला कि नहीं मासी, ये बोल रहे हैं कि मुझे वीडियो कॉल करना। तो मैंने उनको किस तरह से उस टाइम तो उनको बता दिया कि नहीं, मैं कल करूँगी, अब डॉक्टर आने वाले हैं। तो फ्रेंड, जब मैंने दूसरे तीसरे दिन उनको फ़ोन किया, अपनी बहन को, तो मैंने पहले अपना फेस वगैरह बिल्कुल ठीक हुआ किया, जैसे एक फ्रेश होते हैं, बड़ी सी बिंदी लगाई, तो फिर जाके उनको मैंने कॉल किया। तब जाके फिर मैंने थोड़ी सी बात की, हंस की बात की, मतलब लाउडली बात करने की कोशिश की मैंने, कि फिर ये भी बोला कि वो फ़ोन में ना ज़्यादा सुनाई नहीं देता है वीडियो कॉल में, तो मैंने जल्दी से बाय कर दिया। तब जाके उनको भी तसल्ली हुई कि मैं ठीक हो जाऊँगी। और वैसे ही मेरे बेटे को नहीं पता था कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ,
उसको यही लग रहा था कि मामा बुखार की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जब मैंने उसको 3-4 दिन के बाद बताया कि मैं कोविड पॉजिटिव निकली हूँ, तब जाके उसने भी बहुत, वो भी धक्का लगा उसको, और उसने बोला कि मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे झूठ क्यों बोला कि आप ऐसे, तो मुझे बता देते कि जो भी कभी भी इस तरह का कुछ होता है तो साफ साफ बताना, कोई भी चीज़ छुपाना नहीं है, क्योंकि हम खुद संभल सकते हैं और हमें मालूम है कि किस तरह से अपने आप को संभाला जाता है इस सिचुएशन में। तो फ्रेंड्स, उसने भी वीडियो कॉल की, तो मैंने, जब उसने भी वीडियो कॉल की तभी मैंने अपना जो फेस है वो बिल्कुल फ्रेश किया, तो तब मैंने उससे भी बात की, तो उसे भी लगा कि हाँ मामा ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मुझे, मतलब ठीक करने में मेरे रिलेटिव्स का, मेरे फ्रेंड का, मेरे अपनी फैमिली का, दोनों फैमिली, मायके वाली फैमिली भी और ससुराल वाली फैमिली का भी बहुत ही सहयोग रहा है। और अगर वो भी नहीं होते मुझे हौसला देने के लिए, तो भी शायद मैं ठीक नहीं होती। तो मेरे साथ, मतलब बहुत सारे रिलेटिव की यादें जुड़ी हैं, वो चाहे यहाँ पे आके या फ़ोन पे, लेकिन काफ़ी सपोर्ट किया था मुझे। तो फ्रेंड्स, आज हमने घर जाना था, तो दीदी के पास तो जाना ही था, क्योंकि दीदी अकेली थी और वो घबरा जाती थी। तो मैं यहाँ आई और दीदी के खिड़की से भी मैं ये व्यू गुरुद्वारे का और आसपास का आखिरी बार ले रही थी। और दीदी काफ़ी परेशान थे कि हम तो छुट्टी, हमारी तो छुट्टी हो रही है और अब मैं कैसे रहूँगी, वो भी बहुत इमोशनल हो रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने उनको काफ़ी दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, अगर आप ठीक हो जाएंगे, चाहे जितने भी दिन लगे आप यहाँ रहना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हमारा टाइम हो गया था घर जाने का, तो हम लिफ्ट से उतरे और 2nd फ्लोर में पहुँच चुके थे। और फ्रेंड्स, हमें डिस्चार्ज कार्ड लेना था यहाँ से, यहाँ मेडिकल वालों का ऑफिस है यहाँ पे, और अंदर डॉक्टर बैठे हैं और नर्सेज भी हैं, तो यहाँ से ही हमें डिस्चार्ज कार्ड लेना था। और यहाँ 2 पेशेंट थे और इन 3 थे, तो इन्होंने भी यहाँ से डिस्चार्ज कार्ड लेना था। तो हम वेट कर रहे थे बाहर, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे डिस्चार्ज कार्ड लेके, और अब हमें जाना था घर की तरफ। और फ्रेंड्स, यहाँ है 2nd फ्लोर में ये बड़ा सा हॉल, और इसके बाहर सारे जो अटेंडेंट है, मतलब अपने पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, और हमारी जो टैक्सी थी वो इस एम्बुलेंस के पीछे खड़ी थी, हमारा वेट कर रही थी। और मेरे हस्बैंड आगे आगे और मैं पीछे पीछे कैमरे लेके चली थी। और फ्रेंड्स, मैं ये आखिरी मोमेंट यहाँ कैप्चर करना चाहती थी, जो मैंने कैप्चर किया, क्योंकि इस हॉस्पिटल से मैं आज नया जीवन लेके अपने घर जा रही थी। मुझे थोड़ा इमोशनल भी हो रही थी मैं, पर खुशी भी थी कि आज हम अपने घर जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, हमारा जो टैक्सी वाला वो पहले से ही तैयार था। तो ये मेरा आखिरी शॉट था यहाँ पे गुरुद्वारे और हॉस्पिटल का। और फ्रेंड, जो हमारा टैक्सी वाला है ये सोलन का है, और जो यहाँ से इसकी टैक्सी यहीं खड़ी होती है, तो ये बता रहा था कि काफ़ी मरीज़ों को मैं यहाँ से ले गया है, रामपुर के लिए भी मैं ले गया हूँ, रोडू के लिए भी ले गया, जुब्बल कोटखाई सब जगह ले गया था मैं यहाँ से। हाँ।
और फ्रेंड्स, हम इसी के साथ ही अपने घर के लिए रवाना हो चुके थे और बहुत सारी यादें लेके जितना भी इस हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस था वो सारे अपने दिल में ले जा रही थी मैं और अपने कैमरे में कैद करके, और ख़ासकर तो 4th floor room number 402 की चौथी मंजिल की खिड़की। तो यहाँ से जो भी एक्सपीरियंस था बाहर देखने का, अपने रिलेटिव्स से मिलने का, तो यही एक जरिया था मेरे पास, ये एक बड़ी सी खिड़की। और मैं आज यहाँ इस हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आ रही थी और मैं मन ही मन पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा कर रही थी, डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मचारी तक। तो फ्रेंड, जैसे ही हम यहाँ से निकले तो मेरे कज़न का फ़ोन आया, यानी कि मेरी दीदी का बेटा। तो वो हमें नहीं मिला, वो हमारा वेट कर रहा था वहाँ पे, और तो वो इधर उधर चला गया था थोड़ा, और फिर उसे पता नहीं लगा हम चला गए हैं, तो उसने फ़ोन किया मेरे हस्बैंड को। अब निकल गया हम, हाँ निकल गए गाड़ी में बैठ गए, हाँ निकल गए हम, हाँ वहाँ रश जैसा है थोड़ा। चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हम विक्ट्री टनल को भी क्रॉस कर चुके थे और यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इतने दिनों बाद मैं बाहर निकली थी और बहुत सुंदर लग रहा था फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा लग रहा था। हम वापस घर जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, आप ये बर्फ़ देख रहे हैं, ये 15 तारीख को पड़ी थी और यहाँ सूर्य की रोशनी बहुत कम आती है, इसलिए ये बर्फ़ अभी तक नहीं पिघली थी। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम ऊपर आए तो हमें लगा कि हम अपर शिमला एरिया में पहुंच चुके हैं, तो अपर शिमला एरिया से हम संबंध रखते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हम अपने इलाके में पहुंच गए, अपने एरिया में पहुंच चुके हैं। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो हमारे टैक्सी ड्राइवर थे, यानी कि टैक्सी मालिक भी हुई हैं, तो वो हमें अपनी स्थिति भी बता रहे थे कि किस तरह से उनके दादाजी को भी कोरोना हुआ था और कैसे कैसे वो हॉस्पिटल में रहे थे, और वो खुद भी पूरा परिवार आइसोलेशन में रहा था। तो फिर बता रहा था कि किस तरह से उनकी जो टैक्सी है वो इतने महीने में खड़ी रही थी, और जो इंस्टॉलमेंट है वो उनको अपने जेब से ही देना पड़ रहा था।
तो फ्रेंड्स और हमारे बारे में भी वो पूछ रहा था कि किस तरह से आपको दीदी कहाँ से ये कोविड हुआ आपको, और कैसे कैसे दिक्कतें आपको आई, और हॉस्पिटल में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका। तो वो सारी बातें कर रहा था सफ़र में। और फ्रेंड्स वो बातें मैं इसलिए नहीं सुना पाऊँगी क्योंकि उसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था और म्यूज़िक में कॉपीराइट लगने का डर है, तो इसलिए मैंने उस यहाँ पे वॉइस ओवर किया है। और फ्रेंड जैसे ही हम नारकंडा से नीचे उतरे तो वैसे ही एक बार फिर बर्फ़ का सामना हुआ। तो इस बार बर्फ़ थोड़ी थिक सी थी और ये नारकंडा एरिया है और यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है शिमला की अपेक्षा, कुफरी की अपेक्षा, और ठंड भी लग रही थी हमें। और फ्रेंड्स इसके साथ ही यहाँ पे जो ये आप ऊपर को कॉटेज देख रहे हैं, ये कॉटेज बनी है टूरिस्ट्स के लिए। तो फ्रेंड्स पिछले साल की मुझे याद आ रही है, हम पिछले साल यहाँ आए थे तो हमने फ़ोटो वगैरह खूब खींचे थे यहाँ पे। फ्रेंड्स इसके साथ ही हम पहुंच चुके हैं अपने होम टाउन में, और हमारा जो इस कोविड 19 का एक्सपीरियंस वो यहीं पे ख़त्म होता है। और जो वीडियो है और इस वीडियो को भी हम आज यहीं क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।